विख्यात ब्रह्म सरोवर के तट पर अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का शुभारंभ हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय द्वारा किया जा चुका है। यहाँ पर देश के विभिन्न राज्यों से अनेकों कलाकार व शिल्पकार पहुँचे हैं, जिनकी कला लोगों को भा रही है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में हरियाणा प्रदेश की 8 जिले की जेल में बना बंदियों के हाथ का सामान अपने आप में लोगों का मन मोह ले रहा है। और अगर आप अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में आएंगे तो आपको एक अलग ही झलक दिखाई देगी, और यह झलक है हरियाणा प्रदेश की अलग अलग मामलों में सजा काट रहे जेलों में बंद बंदियों के हाथ से बनाया गया सामान की कलाकृतियों को आप देखेंगे तो आपका मन खरीदने को करेगा। हरियाणा प्रदेश की जेलों में बंद बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने का यह प्रयास लेकर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पहुंचे हैं। हरियाणा जेल विभाग के अधिकारी और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के स्टॉल पर हरियाणा प्रदेश की जेलों में बंद बंदियों के हाथ का से बने कला देखेंगे तो आपका मन जरूर उसको खरीदने का करेगा, और आप इन सामान को खरीद भी सकते हैं, और बंदियों के हाथ से बने इन कला के को लोग खरीद भी रहे हैं, और हरियाणा जेल विभाग को इससे अच्छा खासा मुनाफा भी हो रहा है। जिला जेल अधीक्षक सोमनाथ ने खबरनामा हरियाणा से बात करते हुए बताया कि स्टॉल पर हरियाणा के विभिन्न जिलों से कैदियों द्वारा तैयार किया गया सामान पहुंचा है, जिसे बंदियों ने खुद की प्रतिभा के हिसाब से तैयार किया है। पिछले 5 वर्षों से गीता जयंती पर हरियाणा कारागार द्वारा यह स्टॉल लगाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि जब बंदी अपनी सजा खत्म कर जेल से बाहर आ जाए तब खुद को आत्मनिर्भर बना सके। उन्होंने बताया कि इस सामान को बेच जो भी कमाई होगी उसे बंदियों के उत्थान के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जी, जैसे पिछले 4-5 साल से, लगभग 5 साल से जो है गीता जयंती महोत्सव में जो है ये स्टॉल लगाए जा रहे हैं, तो इसमें हरियाणा राज्य की जितनी भी जेलें हैं, 20 जेलें जो है इसमें जो है हिस्सेदारी कर रही हैं, और जितने भी मेरे बंदी भाई हैं वहाँ पे जेलों के अंदर जो बंद हैं वो अपने हाथ से कोई पेंटिंग बना रहा है, कोई आयरन के मूढ़े बना रहा है, कोई फर्नीचर बना रहा है, कोई रिटायरिंग चेयर बना रहा है, कोई गमला स्टैंड बना रहा है, कोई इस तरह की कई चीज़ें जैसे चप्पल बन रही है, डोना बन रहा है, इस तरह की वो चीज़ें बना रहे हैं, तो वो चीज़ें हम फिर यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं। जो छोटे आइटम है और जो पर्यटकों को पसंद आ रही है वो हम साथ के साथ सेल कर रहे हैं। जो बड़ी आइटम है जैसे आप देख सकते हैं इधर पीछे सोफा सेट है, उधर चेयर है और वो पड़ी हुई है, सेटी पड़ी हुई है, तो इस तरह की जो आइटम है उनको हम ऑर्डर ले रहे हैं, और ऑर्डर लेने के बाद कंसर्न जेल पे जो है उन्हें हम बता रहे हैं किस तरह से आपका ये ऑर्डर है, और उनका आपस में जो भी वहाँ पे अधिकारी हैं उनका हम नंबर दे के उनका आपस में कॉन्टैक्ट करवा रहे हैं ताकि वो डायरेक्ट वहाँ पे ऑर्डर हमें दे दे, और उसके बाद वहाँ पे आप वो बता दें कि मेरे को ये आइटम इस तरह की चाहिए, वो आइटम फिर तैयार करके उसके घर पर भेज। कितने सालों से यहाँ पर स्टॉल लगाए थे? लगभग 5 साल से। तो क्या सेल हो रही है यहाँ पे? हाँ बिल्कुल सेल हो रही है जी। अभी हमारी लास्ट टाइम की जो सेल थी, जो पिछली गीता जयंती की 2022 के गीता जयंती की सेल थी, वो हमारी 2.5 से 3 लाख की सेल थी। और जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि गीता जयंती में हम पार्टिसिपेट तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा हम जो है फरीदाबाद में जो हमारा ये सूरजकुंड मेला रहता है उसमें भी हम पार्टिसिपेशन करते हैं, और जितने भी बंदियों की बनाई हुई जो आइटम्स हैं बंदी भाई जो बनाते हैं वो सब बिक्री में यहाँ पर लाई जाती है, प्रदर्शनी में प्रदर्शित भी की जाती है और उसकी बिक्री भी की जाती है। धन्यवाद। जय हिंद।